पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ के सिविल लाइन एरिया में दीपनगर की सड़क अचानक धस गई। उसी वक्त सुबह 8:30 बजे दो छात्राएं एक्टिवा से स्कूल के लिए जा रही थी। अचानक सड़क धसने पर दोनों एक्टिवा के साथ नीचे बने गड्ढे में गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सीढ़ी लगाकर छात्राओं को बामुश्किल बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन लीक होने के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी धस गई थी। इससे सड़क के बीचों बीच 6 से 7 फीट गहरा और करीब 9 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। सुबह के समय लोग रोजाना की तरह ही सड़क पर चल रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर मेयर बलकार सिंह संधु मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए, तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पर 1 साल पहले भी सड़क धस चुकी है और उसमें फॉर्चूनर गाड़ी गिर गई थी। यह दूसरा हादसा हुआ है, इस बार 2 छात्राएं घायल हो गई। प्रशासन से मांग की जा रही है कि यहां पर कोई पक्का इंतजाम किया जाए, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।